दोस्तों मेरे सामने एक लड़का बैठा हुआ है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है तीन चार समस्या क्या है कि जब भी गर्लफ्रेंड बात करता है पूरा लिंग से चिप पानी आने लगता है पूरा चड्डी गीला हो जाता है कभी कभी लड़की से पार्क जाता है सेक्स बात नहीं करता फिर भी गीला हो जाता है इवन अपनी उसे गर्लफ्रेंड क्लास में भी है उससे खाली उसके पास बैठ जाता है और बात पढ़ाई की करता है तभी भी हो जाता है लड़का बड़ा परेशान ये चक्कर क्या है इतना लीक हो रहा मेरा सारा माल बह जाएगा तो मेरा क्या होगा तो भाइयों समझो जो ये लीकेज हो रहा ये चिपचिपा पानी आ रहा ये प्री कम बोलते हैं जिस तरह खान आगे बिरयानी रख दो आगे गुलाब जामुन रख दो आगे छोले भटूरे रख दो भूख लगी हुई हो तो सुगंध से मुंह पानी लगता है कि उसको खाने के लिए सेम वे कोई औरत लड़की जो आपको अच्छी लगती सेक्स में अच्छी लगती है जहाँ वो पास में बैठेगी या फोन में बात कुछ भी करो कहाँ हो क्या खा रही हो तब भी उसके खनक में भी आपको सेक्स फील लगेगा आपको चिपचिप पानी आएगा ये बीमारी ये वीर नहीं होता है ये बीमारी नहीं होता है समझो लड़के बोलते कि जहाँ चिपचिप पानी आता है उसके पैर लिंक ढीला पड़ जाता है अरे भाई ढीला इसलिए पड़ता है कि आप मान लो आधे घंटे बात कर बीस मिनट बात कर रहे हो तो कब तक खड़ा रहेगा थोड़ा ढीला हो ही जाएगा और आपने आपका लिंक देखा चिपचा पानी अगर ढीला हो गया एक बार बात करते समय तो आप डर गए कि लगता है ये मेरा माल निकला जा रहा और जहाँ स्ट्रेस आएगा कितने बे लड़के जाते हैं गर्लफ्रेंड सेक्स ले जाते हैं आप गर्लफ्रेंड से चुपा चाटी किया चिपका पानी आने लगा यार पानी क्यों निकल रहा कुछ गड़बड़ तो नहीं है और जब करने बात आती है वो ढीला हो जाते है क्योंकि वो डर जाते हैं कि मेरा माल निकल रहा माल निकल रहा मेरा क्या कमजोरी नहीं आ जाएगी जहाँ डरोगे स्ट्रेस केमिकल एडिन निकलेगा जो लिंक का ब्लडो कर कम करके ढीला कर देगा तो चिपचिपा पानी नहीं है समझो कितना निकले इसे डरने की जरूरत नहीं है जिस तरह मिठाई दे मुंह पानी आता तो है वैसे लड़की दे नीचे पानी आता है बात फूल कुछ भी करो लेकिन उस लड़की से बात कर रहे हो याद करो उस लड़की जब कोई दूसरी औरत हो जिसको आप सेक्सुअली पसंद नहीं करते हो उससे बात करने पानी नहीं निकलेगा तो बीमारी नहीं है